घर गोल गोल होता है पर अंदर नीचे तो हो जाता है। फ्लूइड में होने वाले ये हलचल कन्वेक्टिव करंट को पैदा करती है। कन्वेक्टिव करंट गर्म ऊर्जा को फ्लूइड के जरिए फैलाती है। क्या कोई दूसरे तरीके है जिसमें गर्मी को फैलाया जा सकता है? चलिए उस उदाहरण को देखते हैं। क्या होता है जब हम अपने हाथों को आग के पास ले जाते हैं? इससे पहले कि हम इस उदाहरण को समझें, कृपया ध्यान दें कि आपको घर पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। आग से कभी भी मत खेलिए। ठीक है, अब हम उदाहरण पर वापस आते हैं। क्या होता है जब हम अपने हाथों को आग के पास ले जाते हैं? जी हाँ, आपको गर्म महसूस होता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि गर्मी आग से आपके हाथ में जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ गर्मी ट्रांसफर हो रही है, यही वजह है कि हाथों में आग की गर्मी महसूस हो रही है।